सो है गाइस, व्हाट्सअप, ईगल हियर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉडर्न कॉम्बैट 4 जीरो आवर की पूरी स्टोरी को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मॉडर्न कॉम्बैट 3 फॉलन नेशन की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न कॉम्बैट 3 की स्टोरी ना देखी, इस वीडियो को चालू किया तो शायद आप जगह जगह पर कन्फ्यूज हो सकते हैं और इस वीडियो के बहुत सारे पॉइंट्स आपके सर के ऊपर निकल जाए। तो प्लीज़ एक बार मॉडर्न कॉम्बैट 3 की वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो पे एक लाइक मार ही देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये साल है 2037, जहाँ पर एडवर्ड पेज वर्ल्ड क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि सीटल में है, वहाँ पर अटैक कर देता है हवाई की C3 समिट में होने वाले एक लार्ज स्केल अटैक को छुपाने के लिए, जहाँ पर उसकी मदद करनी होती है सॉन्डर्स ग्लोबल सिक्योरिटी यानी SGS और उसका मालिक एवरेट सॉन्डर्स। वो लोग WCIB से US के ड्रोन्स के नेटवर्क कोड चुरा लेते हैं। एवरेट और पेज बॉम्ब प्लेस करते हैं WCIB के बिल्डिंग पर, जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर्स की मदद से वहाँ पर से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग को उड़ा देते हैं। WCIB के बिल्डिंग के तबाह होने के बाद वहाँ पर एंडरसन को भेजा जाता है। अगर आपको याद नहीं होगा, सर्जेंट एंडरसन मॉडर्न कॉम्बैट फॉलन नेशन और मॉडर्न कॉम्बैट ब्लैक पेस इसमें भी दिख चुका है। तो एंडरसन आफ्टर के कुछ ऑपरेटिव्स के साथ अब पुलिस स्टेशन में जाता है ताकि वो हॉस्टल सोल्जर से उस एरिया को वापस छीन सके, और उसे हेल्प कर रहे होते हैं चीफ वेरेंस। अगर आपको नहीं पता तो चीफ वेरेंस असल में मॉडर्न कॉम्बैट 1 का मेन प्रोटैगनिस्ट था, और यहाँ पर उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो बस रेडियो से बात कर रहा होता है। और इसके बाद एंडरसन अपना रास्ता बनाता है WCIB की डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग तक। रास्ते में उसे केडन फिनिक्स भी मिलता है, मॉडर्न कॉम्बैट 5 का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसके बाद वो और फिनिक्स आफ्टर के कुछ ऑपरेटिव्स को बचाते हैं जिन्हें SGS के सोल्जर्स ने कैप्चर करके रखा है। उन्हें छुड़ाने के बाद वॉरेंस हमें खबर देता है कि उस बिल्डिंग में कुछ हॉस्टेजेस हैं। इसके बाद फिनिक्स उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए चला जाता है और एंडरसन स्ट्रीट्स में आ जाता है ताकि वो उस एरिया से SGS सोल्जर्स का सफाया कर सके। वहाँ पर मौजूद SGS सोल्जर्स को मार के आने के बाद एक SGS का सोल्जर उसकी तरफ कूद पड़ता है उसे मारने के लिए, पर अहम वक्त पर एंडरसन एक नाइफ उसके पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है। हमें उस SGS के सोल्जर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेज का प्लान है उसके प्रेसिडेंट बर्क को किडनैप करने का, जो कि अभी हवाई पर मौजूद है, जिसके बाद एंडरसन ये खबर HQ तक पहुंचा देता है। अब 2 दिन बाद पेज हवाई पर पहुंचता है और वहां पर एक लार्ज अटैक शुरू कर देता है। यहां पर US एक बड़ी सी आर्मी को समिट पर भेजती है ताकि वो लोग उसे सिक्योर कर सके। कॉर्पोरल जोएल ब्लेक समिट पर पहुंचता है US सोल्जर्स की एक छोटी स्क्वाड के साथ, जिसको लीड कर रहा होता है जेम्स वॉकर, हाँ, फॉलन नेशन का प्रोटैगनिस्ट, जिसके बाद वो लोग बीच की तरफ जाते हैं और वहाँ पर से उन्हें पता चलता है कि दूसरी एक अलर्ट टीम पिन डाउन हो चुकी है SGS मिलिट्री के द्वारा। टीम इसके बाद उनकी तरफ बढ़ती है और उन्हें पता चलता है कि US के प्रेसिडेंट को हॉस्टेज रख लिया गया है एडवर्ड पेज के द्वारा। जिसके बाद पेज प्रेसिडेंट बर्क को हवाई में मौजूद एक दूसरे जगह लाको बीच रिजॉर्ट पर हॉस्टेज बना के रखता है, वहाँ पर मौजूद SGS सोल्जर्स की मदद करता है वहाँ पर बॉम्ब्स प्लांट करने में, ताकि वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर वहाँ पर मौजूद रिलीफ फोर्सेस को स्लो डाउन कर सके। पर ये प्लान काम नहीं करता और इवेंचुअली वहाँ पर फैंटम यूनिट भी आ जाती है, जिसके बाद पेज को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। फैंटम यूनिट जैसे तैसे वहाँ के मर्सनरीज को हरा के पेज के पीछे लग जाते हैं, पर वो लोग बहुत लेट हो जाते हैं क्योंकि पेज प्रेसिडेंट बर्क के साथ हेलीकॉप्टर में वहाँ से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है।
Page is using the president as a human shield. I can't take the shot. I repeat, I have no clear shot. Knight, they're taking off. Walker, we're not picking up any vehicle movement in your area. What's happening? Fuck, they must be jamming the local radar. We're going to lose them. Intel will have to find another lead. Stand by until we dig something up. वो लोग प्रेसिडेंट को जरूर गवा देते हैं, पर उन्हें पता चलता है एवरेट सॉन्डर्स यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक सोल्जर था जिसने पेज के साथ एक ही यूनिट में काम किया था। अब वो बार्सिलोना की एक शहर में है। तब वॉकर ब्लेक और लेफ्टिनेंट डाउन्स को भेजा जाता है उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके जिसने अभी प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना के रखा है। उन्हें सॉन्डर्स की लोकेशन मिल जाती है और उसे अरेस्ट करने के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ब्लेक सॉन्डर्स के रूम में पहुँचता है। सॉन्डर्स के पास पहुँचने के बाद सॉन्डर्स उसे कहता है कि अब वो पेज का साथ नहीं देना चाहता। पेज पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो बहुत ही बुरा और बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रहा है, इसमें उसे शामिल नहीं होना, और वो कहता है कि वो हमारी तरफ है। जिसके बाद ब्लेक उसे वहाँ से ले जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो हमें धोखा देता है और हमें मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद ब्लेक और सॉन्डर्स में हाथापाई हो जाती है, पर ब्लेक वहाँ पर बेहोश हो जाता है और सॉन्डर्स वहाँ पर भाग जाता है। ब्लेक उठते ही सॉन्डर्स के पीछे दौड़ने लगता है। तभी कुछ SDS के सोल्जर्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए ड्रोन्स भेजे जाते हैं जिन्हें कैस्कर कौन कंट्रोल कर सकता है। यस यू आर राइट मास्टर सर्जन कार्टर, अभी हम जिंदा हैं। वो मॉडर्न कॉम्बैट 3 में मरा नहीं था, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, और यहाँ पर वो ड्रोन्स को कंट्रोल करके ब्लेक को असिस्ट कर रहा होता है। कार्टर की असिस्टेंस के बाद वॉकर और ब्लेक फाइनली सॉन्डर्स को एक बिल्डिंग के बैलकनी में आके पकड़ लेते हैं। You people still don't understand. For Page, killing isn't something you do to win a war. Instead, he wages war so that he can kill. Surrender and we will protect you from Page. You can't. When he captures me, I will be tortured. Slowly. For days, months, who knows how long. No, you son of a bitch! No! Knight, we lost Saunders. Command isn't going to be happy. Walker, your team is being deployed to South Africa. पर मजबूरन ब्लेक को सॉन्डर्स को नीचे फेंकना पड़ता है ताकि वो वॉकर की जान बचा सके। सॉन्डर्स उस बालकनी से नीचे गिर जाता है और हमें लगता है कि सॉन्डर्स मर चुका है, जिसके बाद वॉकर HQ को रिपोर्ट करता है कि सॉन्डर्स मर चुका है। The intel we got from Saunders indicates that Page has taken the president hostage and is holding him in South Africa. Page has been using a Saunders Global Security Facility as a front for his Unified Citizens terrorist group. We dug up a paper trail leading us to believe that Page has been gathering tantalum and columbite, two materials that can be used to develop weaponry. We don't know what Page's endgame is, but we can assume that he is preparing something big. We are deploying all our units to this location. These mercs are well trained and the base will be strongly defended, so expect heavy resistance. Our troops are at a disadvantage here, so we'll need to hit where it hurts and fast. This isn't a raid, it's a war. Retrieve the president at all costs. हमें सॉन्डर्स की दी हुई थोड़ी सी जानकारी से यह पता लगता है कि पेज ने प्रेसिडेंट को साउथ अफ्रीका में रखा है। इसके बाद टीम को साउथ अफ्रीका में मौजूद एक SDS बेस में भेजा जाता है, जिस दौरान ब्लेक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। और अकेले ही लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो जैसे तैसे प्रेसिडेंट की लोकेशन को पता कर लेता है। The United States is an animal. A sick, greedy animal. Like any other beast, it is wrought from flesh and blood, and can be killed. At first, I decided to control resources and weapons, increasing the price of columbite and tantalum. I inflicted a little pain on your mammon-worshipping economy, but that wasn't enough. I am here to unleash hell on Earth,
and I won't stop until the West has been repaid in full for the misery inflicted on the developing nations. Gut shot. Being like that kills you slow. Burke, feel free to make another speech about your glorious country. Meanwhile, I'll be deploying a WMD like no other. और प्रेसिडेंट को बचा लेता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट के साथ वो वॉकर और डाउन्स के पास आता है। वो लोग प्रेसिडेंट को बचा लेते हैं। Down, cover me. Got it, moving up. Sir, can you hear me? We've got you, Mr. President. Antarctica. Down, move it, let's go. Antarctica. WMD. H5N1. Knight, are you hearing this? Copy. Intel is on it. We're also tracking Page's jet. That's the last thing I expected to hear. Antarctica. प्रेसिडेंट को बेस में लाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें जितना लग रहा था पेज का प्लान उससे भी ज़्यादा बड़ा है। वो असल में पूरी दुनिया पर बायोवेपन्स का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो ह्यूमन रेस को अपने मन मुताबिक शुरू से स्टार्ट कर सके। इसके बाद टीम को यूनिफाइड सिटीजन्स के एक अंटार्कटिक लैब में डिस्पैच किया जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद टीम दो हिस्से में बट जाती है। डाउन्स और वॉकर एक तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ एंडरसन और ब्लेक बायोलैब को ढूंढ निकालते हैं। बायोलैब में पहुंचने के बाद एच क्यू हमें हैजमत टीम के लिए रुकने को कहती है, पर एंडरसन उनके ऑर्डर्स को ना मानते हुए ये कहता है कि वो इतना बड़ा खतरा नहीं उड़ा सकता, जिसके बाद वो ब्लेक को कहता है दरवाज़ा खोलने के लिए। ब्लेक दरवाज़ा खोलता है, पर ब्लेक की जान बचाने के लिए एंडरसन उसे वहाँ से लात मार के हटा देता है। Nothing personal, kid. I hate to do this. थोड़ी देर बाद वहाँ पर पेज आ जाता है, जो जैसे जैसे एंडरसन को रोक लेता है, उसके बाद वो उसके पेट में नाइफ खोप देता है। एंडरसन मरते हुए ब्लेक को इशारा करता है ताकि वो बूम के स्विच को दबाए, ताकि वहाँ पर मौजूद बायोलैब तबाह हो जाए और उससे पेज दुनिया पे तबाही ना मचा पाए। ब्लेक वैसा ही करता है, पर दरवाज़ा ना खुलने की वजह से ब्लेक पेज को पकड़ नहीं पाता। पेज यहाँ पर से भाग जाता है और एक रूम में उसकी मुलाकात वॉकर और डाउन से होती है। वो डाउन को गोली मार देता है और वॉकर को भी मारने ही जाता है। You thought it would be easy, didn't you? Figured you'd just white knight your way in here and kill me? Life is a little more complicated than that. Where's that heroism now? Son of a fucking lunatic! ब्लेक उसके पीछे से आके उसे चाकू से मार देता है, जिसके बाद वॉकर ब्लेक और डाउन्स वहां से जैसे तैसे निकलते हैं और उस लैब को ब्लास्ट कर देते हैं। और इसी के साथ इस गेम का एंड होता है। Page was a lunatic and a fool, blinded by his lust for revenge. A blunt knife in lieu of a surgical scalpel. He was unworthy of the task at hand, but he served his purpose during the allotted time. They thought me a harmless functionary, one of Page's numerous pawns, and they believed me dead. But it's not enough to put the king in check. I gave the orders. I deceived Phantom Unit. I provided the false flag intelligence, setting them up, forcing them to kill Page. They performed adequately. He drew the attention of the hegemonists, and their focus on him kept their attention from the true threat. The first skirmish went to the enemy, but the war is about to begin.
and they will soon know the कि सॉन्डर्स उस फॉल को सर्वाइव कर गया था और वो अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में आपको मॉडर्न कॉम्बैट 5 में पता चलेगा। तो अगर आप मॉडर्न कॉम्बैट 5 की स्टोरी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 की स्टोरी जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और कंटेंट के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।